विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे स्पेशल कार्यकर्ता करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फर्क क्या है भैया? बाद में करना है। आपसे बातचीत करनी है, डायरेक्ट कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता आजादी के लिए लड़े, हमारे लाखों कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर आजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ता ने देश को यह संविधान दिया। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान पर आक्रमण करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमण, उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई, तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। मतलब आपने सुना, अपने आप अपने कानों से आपने सुना, आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने, वो चार चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो, आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं अकेला जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात होगी, कमाल की बात होगी, व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूरत है? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं सोच
सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है, या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है, या सुबह 7 बजे आती है, या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुखू जी मेरे पास आए बंद कमरे में, मुझे कह दें कि राहुल जी, मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुखू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुद के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान, मतलब मजाक बना रखा। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं, अदानी के मित्र हैं। और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं, और जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं, मुंबई में एयरपोर्ट, लखनऊ में एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट पकड़ा दिए 50 साल के लिए। ये हिंदुस्तान की पूंजी है, ये आपका धन है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिए, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए, हथियार जो पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी वो अब अनानी बनाएंगे। तो सारा का सारा काम 20-25 लोगों के लिए किया जा रहा है। पता नहीं, शायद परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि भैया आपको अदानी जी की मदद करनी चाहिए, यही हो सकता है। तो पिछले 10 सालों में सारा का सारा काम 22-25 लोगों के लिए हुआ है। यहां पे आपका आई हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगी, अगले मीटिंग में प्रधानमंत्री आएंगे। आप हिमाचल की जनता को बताइए, जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे? हमने 9000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने नहीं भेजे, मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आपने 9000 करोड़ रुपए मांगा, आपको कहा हम नहीं देंगे, आप मुश्किल में थे, 22000 परिवारों को नुकसान हुआ, सब कुछ खो गए, और प्रधानमंत्री कहते हम आपको नहीं देंगे। आपको 9000 करोड़ नहीं दिया, उनको 16 लाख करोड़ रुपए दिया। मतलब अगर आप साल का मनरेगा का पैसा लें, 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था यूपीए के टाइम, 24 साल अगर आप उस कर्जे को माफ करते किसानों को, उतना बनता है 16 लाख करोड़, और ऐसे ही दे दिया। उसको कहते हैं विकास। और जब हम मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है मीडिया उनके हाथ में।
आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेब के किसान को देखा है? कभी टीवी पे आते हैं सेब के किसान, कभी उनकी बात चलती है? कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की घड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। सेब के किसानों के जेब से आया। तो ये दो तरीके के मतलब रास्ते हैं। 22-25 लोग हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा हो जाता है और बाकी हिंदुस्तान देखता रह जाता है। तो यही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इसका आज मैं आपको जवाब देने आया हूं। 10 साल में उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों को दिया है, मतलब 22 अरबपति उन्होंने बनाए हैं। अगर आप अदानी की शेयर प्राइस देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वेयर इन होते हैं और उसके एकदम बाद, आज आप जाके गूगल पे देखिए, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। डायरेक्ट पूरा देश जानता है, जो शेयर खरीदते हैं जानते हैं कि भैया अगर नरेंद्र मोदी है तो अदानी का बिजनेस आसमान में जाएगा। पूरा देश जानता है, सारे इन्वेस्टर्स जानते हैं। तो इन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब हमें भी काम करना है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, ये हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में, 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठका ठक। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है, कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं, आप जनता के हो ही नहीं, आप किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के हो ही नहीं। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, प्रेस वालों ने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो इसीलिए हर महीने खटाखट अंदर जाए और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। यहां पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग
का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अडानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है, और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच जाता है, बेच देता है, प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसान जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट पैंट मोबाइल फोन, उस पर प्राइस लिखी होती है, मगर किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सही बात है ना? इसीलिए पहली बार हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं, और वहां नहीं रुकेंगे। मैंने महिलाओं की बात की, 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अरबपतियों का किया, वैसे हम किसानों का करेंगे। अच्छा, एक बात भूल गया, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, मैं इनके चेहरे देख रहा हूँ, पुरुषों के चेहरे देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं मेरी ओर, ये कह रहे भैया महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं? महिलाएं थोड़ी खुश दिख रही हैं, कुछ सोच रहे भैया बैंक अकाउंट से पैसा हमारे यहाँ कैसे आएगा, प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, स्त्री और पुरुष मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, 8-10 घंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुरुष घर के बाहर काम करते हैं। उसके लिए स्त्री को और पुरुष को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलती है, मगर फिर शाम को स्त्री और पुरुष घर जाते हैं, पुरुष रिलैक्स करते हैं और स्त्री 8 घंटे और काम करती है। हिमाचल प्रदेश के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं दिन में, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करती है। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी नहीं लगी, देखिए ये ताली और बजा रही है, आप थोड़ी ताली कम बजा रही है। इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए 8,500 खटाखट 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 डाले, मगर मैं जानता हूं कि अंत में प्रेशर डाल के आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठा के ले जाएंगे, तो इनको भी फायदा होगा। अब यहां युवा भी है, कह रहे हैं भाई राहुल जी आप किसानों की बात कर रहे हो, आपने अरबपतियों की बात की, डीमोनेटाइजेशन जीएसटी की बात की, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ, सरकारी रोजगार सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर दें। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं, मैं आपको बोलूं तो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर दें। दूसरी बात मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का, मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे, वो ग्रेजुएट्स हैं।
तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार। पब्लिक सेक्टर BHEL, HEL, प्राइवेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा। एक साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में, ऑफिसेज में आपको मिलेगी और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए। एक साल में आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया जाएगा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हमारी सरकार आएगी 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है, पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे सोच है। ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने उनका 16,00,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, अदानी का, अंबानी का, बड़े बड़े अरबपतियों का। उन्होंने इस पैसे से लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में अलग अलग चीजें खरीदी, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट खरीदा, मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा का पूरा उन्होंने बाहर खर्चा है, हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा। इसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आस्ते चलने लगी है, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, जापान में नहीं खर्च करोगे, आप इसको हिमाचल प्रदेश के गांव में, कस्बों में, शहरों में, शिमला में, बाकी प्रदेशों में इसको जाके खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए, जैसे ही आप इस पैसे को खर्च करोगे, वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां मेड इन इंडिया शुरू हो जाएगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन बेरोजगार युवाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनके बैंक अकाउंट में हम 1,00,000 रुपए डाल रहे हैं, उन्हीं फैक्ट्रियों में, मेड इन इंडिया वाली, सच्ची मेड इन इंडिया वाली फैक्ट्री में उन्हीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो एक प्रकार से जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, पहले आपको फ्यूल टैंक पे पेट्रोल भरना पड़ता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल फ्यूल डाल रहे हैं, आपके जेब में फ्यूल डाल रहे हैं। उसके बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी और एक बार फिर जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फिर आपको मिलेगा। तो ये हमारी प्लानिंग है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, यहाँ आपदा आई, हमने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे, उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया, मना किया। और उसके एकदम बाद जब हिमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने पूरा दम लगाकर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की। यह भूलिए मत, लड़ाई
कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की। जो भी आपको मिला है, आपको स्टेट मिला ना, जो आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट मिला, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हिमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता। इसीलिए इसकी रक्षा करनी है। ये अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, और हिंदुस्तान की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में उठती है। मैं जानता हूं हमारे कार्यकर्ता इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए लड़ेंगे, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी को आप दिलवाने का काम करेंगे। मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए, वो अब शिमला में रहती है। ये याद रखिए कि हम दोनों, प्रियंका और मैं, दिल्ली में आपके सिपाही हैं। सुखी जी और कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाही हैं। दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाही हूं, प्रियंका जी आपकी सिपाही। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिमाचल।